सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हाल ही में स्टारफेयर्स इवेंट प्रेजेंट मिस्टर मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र का ग्रैंड फिनाले पुणे में हुआ। जहां मिस के लिए 16 टू 30 इयर्स, मिस्टर के लिए 20 टू 40 इयर्स एंड मिसेस के लिए 16 टू 30 इयर्स की कैटेगरी में उनका परफॉर्मेंस हुआ। इस ग्रैंड फिनाले में खास चीफ गेस्ट मौजूद थे बॉलीवुड एक्टर किशोरी शाहने और उनका बेटा बॉबी, साथ ही बिग बॉस सीजन 12 के सौरभ पटेल भी मौजूद रहे। इस फैशन शो के जज थे निहारिका, श्रुति क्लेरेंस, रोहित शिंदे, जिन्होंने काफी मुश्किल से इस कैटेगरीज को जज किया है। सभी आर्टिस्ट के साथ आए हुए सभी मान्यवरों का ट्रॉफी देकर खास सम्मान किया गया। जेव्हा कोविड इतक्या जोरात चालला होता, लॉकडाऊन होता, आणि या मुलीचा मला फोन येतो आणि म्हणते की मी ब्युटी पेजंट ऑर्गनाईज करते। म्हटलं आता दुनियेत काय चालू आहे, तू ब्युटी पेजंट कशी ऑर्गनाईज करणार आहेस, अजून पुढचं काहीच माहित नाहीये। बट शी हॅज द करेज अँड दॅट फ्युचरिस्टिक थॉट, शी इज अमेझिंग पर्सनॅलिटी। मला तिची हिंमत खूप आवडली। म्हणजे असं वाटलं की पुढे मलाही माहित होतं की पुढे माझे कुठले प्रोजेक्ट्स आहेत, डेट कुठली द्यायची आहे, काहीच नाही। म्हटलं तू ज्या दिवशी मला बोलशील त्या दिवशी मी येणार। ज्याप्रमाणे म्हणजे बिग बॉसमध्ये मी वावरले आणि सगळ्यांनी मला प्रेम दिलं तुम्ही सगळ्यांनी, तर मला तेच सांगायचं होतं की त्यावेळेस आय डिड नॉट हॅव द करेज टू गो इन टू दॅट बिग बॉस, आय जस्ट थॉट लेट्स एक्सेप्ट सम चॅलेंज। आणि तसंच आज इथल्या सगळ्या कॉन्टेस्टंट्सनी केलं आहे, दे जस्ट पिक्ड अप अ चॅलेंज। They did not know what the result is going to be, but ते त्यांची जी जर्नी आहे इतकी अमेझिंग राहिली असणार आहे डेफिनेटली। आणि या जर्नीमध्ये एवढं काही ते शिकून गेले आहे, दिस इज अ व्हेरी व्हेरी रिच प्लॅटफॉर्म, इतकं समृद्ध प्लॅटफॉर्म आहे हे, याच्यावर या सगळ्या जणी सगळी मुलं खूप काही शिकून चालली आहेत। म्हणजे बरीचशी लोक तर कदाचित पहिल्यांदाच चालली आहेत या प्लॅटफॉर्मवर, आणि आय कॅन अंडरस्टँड दॅट बटरफ्लाईज इन द स्टमक्स, ते कसं काय झालं असेल, अँड हाऊ डू दे हॅव दॅट फाईंड दॅट करेज टू स्पीक द लाईन्स, किंवा क्वेश्चनचे आन्सर दिले, हे खूप डिफिकल्ट काम आहे। अँड दॅट्स हाऊ लाईक आय ऑल्सो फेल्ट की आय हॅव टू एनकरेज देम, अँड खूप एन्जॉय केला मी शो, फॅन्टास्टिक। मैं बहुत सारे इवेंट करते रहता हूँ, लेकिन ये इवेंट थोड़ा सा अलग इसलिए था क्योंकि कुछ ऐसी एज होते हैं जिस टाइम में इंसान अपने घर के कामों में बिजी हो जाता है ना, अभी लाइफ में एंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाता है। कई बार ऐसी एज आ जाती है जिसमें हम सिर्फ घर के कामों में फंस जाते हैं। पल्लवी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आ रही है नए, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ ज़्यादा एज के फीमेल्स भी थी जो बहुत अच्छी, बहुत कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, ये बहुत अच्छा लगा मुझे।
और उन सारों ने पल्लवी का नाम लिया कि मैम ने बहुत सपोर्ट किया। और ये अच्छी बात है कि हम ज़्यादातर यंग जनरेशन को ही हमेशा सपोर्ट करते हैं या मोटिवेट करते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि एक लाइफ के बाद एंटरटेनमेंट कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए ना। अभी क्या है, हर किसी के मन में कभी ना कभी कुछ सपने होते हैं ना, वो पूरे नहीं कर पाते, बट अगर पल्लवी के थ्रू वो सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, उनको स्टेज मिल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उस एज के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सपने रह जाते हैं पीछे, शायद शादी हो जाती है या घर के कामों में बिजी हो जाते हैं ना। तो पल्लवी ऐसे काम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है, और आगे के लिए हमेशा मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही काम करें। बहुत ही कठिन था, मेरे माथे पे आपको स्वेट दिखेगा, बट इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इतने टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स थे आज के स्टाफ इवेंट्स में, मिस मिसेस और मिस्टर स्टाफ है महाराष्ट्र, वेरी वेरी टैलेंटेड लॉट, एंड आई एम श्योर दे विल गो अ वेरी लॉन्ग वे। बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू पल्लवी मोरे माने फॉर गिविंग वुमेन एंड लेडीज, गर्ल्स, मेन दिस प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन फाइंड देमसेल्व्स, फाइंड दैट कॉन्फिडेंस एंड एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। मायसेल्फ रोहित शिंदे, मिस्टर ग्लैमरस इंटरनेशनल 2019, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस बिगेस्ट इवेंट ऑफ टाउन, मिस मिस्टर महाराष्ट्र, स्टार महाराष्ट्र, मिस मिस्टर एंड मिसेस स्टार महाराष्ट्र। आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर पल्लवी माने, I am thankful to her that she has made the part, me a part of this. To be spoken about the event, it was really great event. I have been in as a jury over here, but it was really competition for me. It was exam like for me, because the talent that we were witnessing, it was amazing, and it was really difficult to judge who will be the winner. But still, the contestants were very confident. They were looking very gorgeous. The costumes, the attire they wore, and the makeup done by the makeup artist was amazing. And for me, it was actually very, very difficult. Jury ko bahut difficult hota hai, sab contestants ko winner check karna ya fir unka mark calculate karke hum log ko talent and sab grooming wagera dekh ke we have to just check who is the winner. So it was a difficult task for me, but thanks for Pallavi Mane More, she invited me as a jury, so I am very grateful to be the part of this event. मैनेज तो बहुत अच्छी कर लिया, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी स्टाफ है की टीम थी वो बहुत स्ट्रांग थी, मेरी कोरियोग्राफर, मेरी जो टोटल हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके मेरे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट से लेके सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। माई कोरियोग्राफर श्रुति आनंद एंड कृति राय, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी सारी मॉडल्स, वो चार दिनों से बहुत लगी पड़ी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से चार दिन बहुत मेहनत दिखाई है, सुबह मॉर्निंग जुम्बा से लेके इवनिंग तक ट्रायल्स एंड ऑल, रन 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 बहुत अच्छा हुआ, आई एंजॉय के लिए किशोरी ताई, किशोरी शाहनी विच जो मैम आए थे, उनके जो सन आए थे बॉम्बे विच, उनसे चार चांद बढ़ गए, सौरभ पटेल फ्रॉम बिग बॉस सीजन 12 वो भी आए थे, तो बस इतना शानदार हुआ हमारे लिए, वो बहुत ज़्यादा स्टाफ के लिए एक अच्छी मोमेंट थी। आगे हमारा मिस्टर मिस एंड मिसेस स्टार इंडिया इवेंट आने वाला है, वो गोवा में होने वाला है, बहुत जल्द हम उसके साथ आने वाले हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड सच अ ऑनर टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज बाय पल्लवी मोरे माने मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग। Right now I'm feeling on the top of the world with all the loving people and everything. Thank you so much for this wonderful love and the appreciation from everybody. Other thing is that इसके पीछे बहुत सारी मेहनत गई है, in fact I had my ligament tear and my physiotherapist has told me not to go for it, but I still have given the chance to myself and hey, thank you so much. Hello everyone, very good evening. Today we just held Mrs. Star Maharashtra, so I am very happy. I just won, one of my dream came true now just before some time, and I'm very happy, just can't explain. I'm very happy. Thank you Star Fair Events for this wonderful organization. We enjoyed for all 4 days,
and a lot more to come. Just stay connected with them. खूप छान वाटतंय. दिस इज महाराष्ट्र फर्स्ट रनर अप, म्हणजे दुसरा क्रमांक आलेला आहे माझा. आणि खरंच खूप छान वाटतंय. कधी वाटलं नव्हतं, माझी बकेट लिस्ट होती ही आणि आज पूर्ण होईल हे मला कधी वाटलंच नव्हतं आणि आज पूर्ण झाली. आता इथून पुढे तर खरा प्रवास सुरू झाला आहे. आणि खरं तर मी पल्लवी मॅमचा विशेष आभार मानते की त्यांनी हा महिलांसाठी खूप सुंदर प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे स्टार केअर्स इव्हेंटचा. कारण महिलांना घर आणि संसार सांभाळून खूप काही गोष्टी करायच्या असतात पण त्या करता येत नाही. आणि कोविडच्या या सिच्युएशनमध्ये सगळ्यात जास्त महिलाच दमलेल्या होत्या घरातली सगळी कामं करून. तर विशेष आभार पल्लवी मॅमचे आणि स्टार केअर्सचे खूप खूप धन्यवाद. I don't know, I have no words because this was my first and I definitely knew it would be my last time. But just because I'm winning and going, I think I will continue this platform again and again. मराठमोळे रंगमंचावर आधुनिकतेचा जो आज प्रवास झाला तो माझ्यासाठी अतिशय उत्तम होता. या मंचातून मला खूप काही शिकायला मिळाले आणि मी आज फर्स्ट रनर अपचा अवॉर्ड घेतलाय. त्याबद्दल स्टार पे टीमचे आणि पल्लवी मॅमचे खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. नेक्स्ट रनर अप, आय ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड राईट नाऊ. दिस वॉज माय फर्स्ट पॅजंट अँड आय रिअली फील सो लकी टू बी हिअर. थँक्स टू पल्लवी मॅम सो मच. अँड वॉट एव्हर आय हॅव बीन टॉट इन दिस 4 days, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ श्रुती मॅम, कीर्ती मॅम अँड ऑल ऑफ फेलो कंटेस्टेंट्स. आय एम लविंग दिस. थँक यू. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. यहाँ की पूरी टीम बहुत अच्छी थी एंड जो ऑर्गेनाइजर थे वो बहुत ही मतलब बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को. बस आगे अब यहाँ से आगे जाना है, आगे बढ़ना है और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको आगे लेके जाना है. बहुत अच्छा लगा. स्पेशली थैंक यू फॉर स्टार्स फेयर इवेंट. मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि पूरी मतलब हमको 4 दिन कुछ कमी महसूस ही नहीं दिया. पूरा एकदम ऑसम. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पार्टिसिपेट करके और तो नेक्स्ट टाइम विनर हूँ. सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टार फेयर इवेंट. आई रियली अप्रिशिएट लविंग श्रुति मैम फॉर टीचिंग अस सच एन ऑनरेबल दिस शो. थैंक यू. माय नेम इज माही बग्गा. आई एम अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर फॉर दिस इवेंट. आई एम ग्लैड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम स्टार फेयर महाराष्ट्र इवेंट्स. आई वुड लाइक टू थैंक्स फर्स्टली मेन श्रुति आनंद who gave me this opportunity, then Pallavi More Mane, she gave me this opportunity. Thank you so much both of them for this lovely event. Thank you. Sheetal Deshmukh from SD Makeover. SD Makeover is myself and it's an academy. This is Star Fair event jahan main aayi hu makeup ke liye. The Star Fair event ne hame bahut acha mauka diya hai. And first of all, I would like to thank Pallavi More ma'am for giving me this opportunity to become a showstopper for the Miss category in Mr. Miss and Mrs. Star Maharashtra 2021. So the experience is amazing. I got to meet a lot of new people over here who are very cooperative with everything that is happening. The training is very professional and I enjoy everything a lot. The event was successful. The staff is from Miss, Mrs. and Mr. Maharashtra 2021 ka aayojan kiya gaya tha Pune mein. Abhi uska finale finish hua and the results were very very स्टार फेयर जैसा नाम है हमारा उसके हिसाब से ही हमारे विनर्स थे. वेरी फेयर विनर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द विनर्स. एंड ऑब्वियसली मेरा जो रोल था आई वाज द ग्रुप एंड द कोरियोग्राफर फॉर दिस शो. सो ऑल माय कंटेस्टेंट्स सभी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. मुझे सबकी परफॉर्मेंस से बहुत खुशी हुई. मैं थैंक्स कहना चाहूँगी स्टार फेयर इवेंट्स का. उन्होंने मुझे मौका दिया कि उनकी मैं Groomer, star groomer and star choreographer. Thank you so much, sir. I am Dr. Priya Parekh from Beauty Aesthetics. I am the skin partner for today's wonderful show. Firstly, let me congratulate Pallavi for organizing such a wonderful show and I am delighted to be a part of it. First of all, mera naam hai Mrs. Kriti Rai. मैं इस इवेंट की शो स्टॉपर भी थी, सेकेंड कोरियोग्राफर भी थी
हमने बहुत मेहनत किया सारे कंटेस्टेंट्स के ऊपर और बहुत सारे कंटेस्टेंट ने इतने अच्छे से परफॉर्म किया, जजेस को भी बहुत टफ टाइम था एंड आवर शो वाज अ ग्रेट सक्सेस. आई एम हियर टू अटेंड दिस इवेंट स्टार फेयर इवेंट्स दैट इज मिस्टर मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र एंड आई वुड लाइक टू थैंक स्टार फेयर इवेंट्स टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. So let's hope for the best and let's the best person win. Thank you.